हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब इसमें जो हमने पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ना है हेरिडिटी के बारे में, क्योंकि एवोल्यूशन इस बार सीबीएसई बोर्ड में कैंसिल है, डिलीटेड पोर्शन में है। तो हमने स्टडी करनी है हेरिडिटी के बारे में। तो बेसिकली हेरिडिटी को स्टडी करने से पहले हमें एक वर्ड आपने बचपन से सुना होगा जीन्स के बारे में, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जब हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में, तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स के बारे में। वेन एवर वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वी स्टडी अबाउट जेनेटिक्स। तो सर, ये जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, तो बेसिकली ये हेरिडिटी और वेरिएशन होता क्या है, इनको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो लेट्स सी क्या होता है और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो जेनेटिक्स क्या होता है बेटा? तो जेनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो अब हमें पता चलना चाहिए बेसिकली हेरिडिटी क्या होता है। तो अब हमारा पहला पोर्शन आ गया यहाँ पे हेरिडिटी के बारे में, कि हेरिडिटी क्या होती है। तो द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। भाई बेसिकली जब ट्रांसमिशन हुआ करेक्टरिस्टिक्स का और ट्रेट्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, इस कॉल्ड हेरिडिटी। क्या मतलब हुआ? सर, ये ट्रेट्स और करेक्टर्स क्या होते हैं हमें नहीं पता। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स। आप इसे बोल सकते हैं कि भाई जब ट्रांसमिशन हुआ जीन्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एग्जाम्पल मैं इसका देना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं, जैसे आपके फादर लंबे हैं तो उनका बेटा भी लंबा है, मदर फादर दोनों लंबे हैं बेटा भी लंबा हुआ, तो ये क्या हुआ? ट्रांसमिशन हुआ ना इसका, ट्रेट्स का या फिर जीन्स का, फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। समझ आया? तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स या फिर ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब बात करते हैं वेरिएशंस की। ये वेरिएशंस क्या होते हैं जब? तो वेरिएशंस क्या होता है बेटा? वेरिएशन होता है डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई हेरिडिटी में क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हुआ किसका? ट्रेट्स और कैरेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे क्या हुआ बेटा? डिफरेंसेस। अब वेरिएशन में क्या होगा? जो डिफरेंसेस होते हैं कैरेक्टर्स और ट्रेट्स के बीच में, उसको बोलते हैं वेरिएशंस। क्या मतलब? अभी समझाते हैं इसको भी। देखिए अब इसको बोलते क्या हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन होता है डिफरेंस इन द करेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो पेरेंट्स हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग हुए कौन हुए, उनके बच्चे, चिल्ड्रंस। ठीक है, तो वेरिएशन क्या हुआ कि द डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कौन हो गए बेटा? चिल्ड्रंस हो गए, चाइल्ड हो गया, उनके बच्चे हो गए। अब अगर हम बात करें तो वेरिएशंस दो तरीके के होते हैं। वेरिएशंस होते हैं दो प्रकार के, दो टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली दे आर टू टाइप ऑफ वेरिएशन, दैट इज सोमैटिक एंड केमैटिक। तो वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप, दैट इज सोमैटिक एंड गेमैटिक। अब ये क्या होते हैं सोमैटिक वेरिएशंस? क्या होते हैं ये? टेक प्लेस इन द बॉडी सेल्स, जो बॉडी के सेल्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो सोमैटिक वेरिएशंस जो होंगे वो बॉडी सेल्स के अंदर होंगे। ना ही ये इनहर्टेड है और ना ही ये ट्रांसमिटेड है। नीदर इनहर्टेड, ना तो ये माँ बाप से मिले, ना ही उनसे ये ट्रांसमिट हुए बच्चों में। तो नीदर इनहर्टेड नॉर ट्रांसमिटेड, ऑल्सो नॉन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। हम इन्हें क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब क्या मतलब होता है इसका बेटा? इसको हम बेसिकली जानते हैं ऑल्सो नॉन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। ये बेसिकली जो ट्रेट्स हैं ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, ये एक्वायर होते हैं। इन्होंने बेसिकली क्या किया? अब सपोज इसका एग्जाम्पल अगर मैं समझाना चाहूँ तो दो पेरेंट्स हैं,
मदर एंड फादर दोनों की हाइट शॉर्ट है, बट उनका जो बेटा है या उनकी जो डॉटर है वो सडनली उनसे बहुत लंबी है। तो देखो, मदर फादर के जीन्स से ना तो उन्होंने वो चीज़ इनर्ट करी, ना ही वो ट्रांसमिट हुई, उसने वो क्या करी, एक्वायर्ड करी। अब एग्जांपल देता हूँ इसका, कटिंग टेल्स इन डॉग, डॉग्स की जो टेल्स हैं उनमें जो कट होता है, कटी हुई जो टेल्स हैं, बट बेसिकली तो लंबी होती है ना, तो कटिंग टेल्स इन डॉग्स, तो दैट इज सोमैटिक वेरिएशन। अब बात करते हैं गेमैटिक वेरिएशंस की। गेमैटिक वेरिएशंस क्या होते हैं? तो गेमैटिक वेरिएशंस टेक प्लेस इन द गैमेट्स और रिप्रोडक्टिव सेल। भाई या तो ये ह्यूमंस के गैमेट्स में होते हैं या फिर ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। गैमेट्स आपको पता ही है, गैमेट्स क्या होता है भाई? मेल और फीमेल दो होते हैं, तो मेल का जो गैमेट होता है वो स्पर्म, और फीमेल का जो गैमेट्स होता है वो ओवा, दैट इज एग, एग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गैमेट्स मेड, मेल का होता है स्पर्म, फीमेल का होता है ओवा या फिर एग, ठीक है। टेक प्लेस इन द गैमेट्स और रिप्रोडक्टिव सेल, ये इनर्टेड है एज वेल एज ट्रांसमिटेड है। देखो सोमैटिक में ना वो इनर्टेड होते हैं ना ट्रांसमिटेड होते हैं, बट अगर हम गैमेटिक की बात करते हैं तो ये इनर्टेड भी हैं एज वेल एज ये ट्रांसमिटेड भी हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इनर्टेड ट्रेट्स। तो हमने क्या बोलते हैं, इनर्ट किया है, इसका मतलब कि जो ये चेंजेस आए, जो गैमेटिक वेरिएशन आए, जो चेंजेस आए, ये बच्चों को पेरेंट्स से मिले, तो इनर्ट किया है इन्होंने। एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट, भाई पापा मम्मी लंबे, बच्चा लंबा, पापा गोरे मम्मी गोरी, बच्चा भी गोरा, स्किन कलर, समझ आया आप लोगों को? चलिए अब आगे हम इसके बाद के टॉपिक देखते हैं कि चेंजेस कैसे आते हैं, एक्लिमिनेशन। तो बात करते हैं एक्लिमिनेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, भाई रिप्रोडक्शन के टाइम पे चेंजेस कैसे आते हैं। अब आपको पता है देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो वेरिएशंस क्या आएंगे भाई रिप्रोडक्शन के टाइम पे, क्या चेंजेस आएंगे? वेरिएशंस अपेयर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हेनेवर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई। तो भाई वेरिएशंस जब आते हैं, जब ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है और मल्टीप्लाई होता है, दैट इज भाई मेल फीमेल और उनका चाइल्ड। तो इन्होंने जब क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, बेसिकली रिप्रोड्यूस किया, तो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, अब इन्होंने जब रिप्रोड्यूस किया तो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, मल्टीप्लाई। तो ये दो तरीके के हैं, एक सेक्सुअल है और एक एसेक्सुअली होता है। तो सेक्सुअली क्या होता है और एसेक्सुअली क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। तो बेटा जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते, सिमिलर होता है। एसेक्सुअल मोड बेसिकली प्लांट्स यूज़ करते हैं, तो आपने प्लांट्स देखे हैं, प्लांट्स बेसिकली सिमिलर ही लगते हैं, प्लांट्स में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये होता क्यों है, अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? ये होता है अकर ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी या फिर म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं, तो वेरिएशन बहुत कम होते हैं, अकर होते हैं ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी, अकर ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी। भाई डीएनए की कॉपिंग में क्या हुआ, थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसी हो गई, इनएक्यूरेसी हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये चेंजेस आए। अब सेक्सुअल की बात करते हैं, तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि द अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स म्यूटेशन। तो भाई जब मदर फादर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, सेपरेशन होगा किसका, क्रोमोसोम्स का, तो यहाँ पे म्यूटेशन होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, आपके फादर हैं और आपकी मदर है, तो उन दोनों के फेसेस अलग हैं, आपका भी फेस अलग है, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा लार्ज हैं। हो सकता है आपके फादर लंबे हो, मम्मी छोटी हो, और आप मीडियम हाइट वाले हैं, तो वेरिएशन जो हैं बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। कई बार पेरेंट्स सांवले होते हैं, बच्चा गोरा होता है, तो वेरिएशन जो हो गए लार्ज हो जाते हैं इस केस में। अब भाई इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पूछा जाता है, कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इट। क्या मतलब होता है इसका, कि भाई देखो इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन का मतलब है जब डिपेंड करता है ना अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। भाई जो नेचर ऑफ वेरिएशन है वो डिफरेंट होता है हर किसी के लिए। कैसे, एग्जांपल से समझाता हूँ, कि जो बैक्टीरिया है वो गर्मी भी सर्वाइव कर सकता है,
बैक्टीरिया कैन विद स्टैंड हीट, भाई वो बेसिकली हीट भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया कैन विद स्टैंड हीट, विल सर्वाइव हीट वेव, हीट की वेव्स को भी सर्वाइव कर सकता है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन का जो सेकेंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि भाई वेरिएशन की वजह से ही, जो चेंजेस की वजह से ही जो स्पीशीज हैं, चाहे वो ह्यूमंस की हों एनिमल्स की हों, इनके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं ना ये बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ टू स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीजेज द चांसेज ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो एडवांटेज क्या हो गया भाई वेरिएशन का स्पीशीज के अकॉर्डिंग, तो ये इंक्रीज कर रहा है क्या चांस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। समझ आया? चलिए आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ और टर्म्स पढ़ाता हूँ, उसके बाद हम मेंडल का प्योर की जो स्टडी की थी उन्होंने वेरिएशंस के ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर, उसको स्टडी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को आगे और अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू।